अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, मैं भी खैरियत से हूँ जी। मेरा टूर चल रहा है इस वक्त मरी का, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था लास्ट व्लॉग के अंदर। मैं इस वक्त नथिया गली में था और अब नथिया गली से निकले और लालाजार वाइल्ड लाइफ पार्क में जाने के लिए। जी ये आ गया वाइल्ड लाइफ के लिए रास्ता, यहाँ से इसकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। ये सीढ़ियाँ उन्होंने बना दी थोड़ी सी, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना ट्रैक, जो कि तकरीबन मेरे हिसाब से 25 से 30 मिनट का ट्रैक है, लेकिन है काफ़ी मुश्किल से लिख रही है। कि देखिए इस तरह का ट्रैक है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत दिलकश नज़ारे हैं। आप इन देखिएगा व्लॉग के अंदर, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह का व्लॉग रास्ता है। चलें आप चलें मेरे साथ चलें और इसको इंजॉय करें। शुरू करते हैं अपना व्लॉग। इस तरह की ये ट्रैकिंग है, देखें ऊपर रास्ता आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रिप्स चढ़ाई है, लेकिन रोड बनी हुई है। ये टफ टायर लगे हुए, अच्छा बना हुआ, लेकिन है लंबा रास्ता, चढ़ाई मुश्किल है। ये देखिए आप चढ़ने का जगह जगह इस तरह आपको बैठने के लिए मिलेंगे लालाजार के लिए। ये जगह थी वो जो कि ये काम चल रहा है, यहाँ पर पता नहीं किस चीज़ का काम चल रहा है फ़िलहाल, इस वजह से उन्होंने बंद किया हुआ यहाँ से। और जो ट्रैक हमारा स्टार्ट होता था वो असल में यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। तो उन्होंने आर्थिक तौर पर फ़िलहाल ये ट्रैक बनाया हुआ है जहाँ से हम लोग अभी ऊपर आए। तो ये आगे यहाँ ज्वाइन करता है इसको, फिर यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। हम भी ऊपर चलते हैं, यहाँ पर आके इस तरह का ये हैं ट्रैक पत्थरों वाले, यहाँ आप एहतियात से चढ़िएगा बेहतर है, क्योंकि यहाँ स्लिपरी है, स्लिप बहुत होता है, ख़तरा। ये देखें इस तरह सीढ़ियों पर चढ़ रही हैं जाने के लिए, और बहुत ही मुश्किल ट्रैक है, क्योंकि स्टेट चढ़ाई है, सांस फूल गई हमारी तो थोड़ी सी चाय, तकरीबन हम लोग अभी 10 मिनट हुए चढ़ते हुए, लेकिन नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आप बोर नहीं हो सकते। इस तरह के नज़ारे हैं देखें आप, जो कि आपको बोर होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे, आप इनमें मगन हो जाएंगे देखते हुए। नथिया गली में है ही इतनी खूबसूरती, जगह जगह खूबसूरती है। चलें थोड़ा आगे बैठ के तो आराम करें, क्योंकि हमारा भी सांस फूलना शुरू हो गया है। यहाँ डस्टबिन बने हुए हैं, तो प्लीज़ इसको यूज़ किया करें, कचरा यहाँ वहाँ न डालें, इसमें डालें कचरा। और जो जो जानवर यहाँ पर हैं पाए जाते हैं इस पार्क के अंदर, यूबी नेशनल पार्क के अंदर, वो ये दिखा इन्होंने बताया हुआ यहाँ पर इसको डिटेल में। और इसी तरह की यहाँ सिटिंग एरिया है, यहाँ जैसे आप आए चढ़ के थोड़ा आराम कर लें, फिर ऊपर चढ़ दें। 20 मिनट की तकरीबन 20 से 22 मिनट की हमने ट्रैकिंग करने के बाद आप बिलाखिर ये आ गया लास्ट टर्न, और इसके बाद आ गया है लालाजार पार्क। ट्रैकिंग हो गई हमारी यहाँ पर आ गया, एंड असर की अदाने भी शुरू हो गई हैं इस वक्त। ये सामने पार्क आ गया, टिकट से रख लिया है। ये आ गए हैं लालाजार पार्क के अंदर। यहाँ रेस्टोरेंट है, आपको ना रिफ्रेशमेंट यहाँ कर सकते हैं। पर पार्क में भी ये इस तरह का ट्रैक हुआ बना हुआ है अंदर आने के बाद। यहाँ भी सिटिंग एरिया है इस तरह, बस और कुछ ख़ास नहीं है देखने के लिए, बस ये चोटी है और इस तरह की ऊपर आके।
ये देखें, बस ये जगह है और कुछ नहीं ऊपर। तो यहाँ तो बंदा आके रिलैक्स करे, आधा एक घंटा बैठे सुकून करे और कुछ। मेरा भी सांस फूल रहा है, मैं भी थोड़ा वेट करता हूँ और सुख आराम करता हूँ इस जगह पे, फिर मिलता हूँ उसे। एक ये पूरा 360 व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ये पूरा 360 व्यू यहाँ का लालाधार पार्क का। पहले यहाँ जानवर भी हुआ करते थे 4-5 साल पहले, पर वो जानवर अब चले गए, हटा दिए इन लोगों ने यहाँ से। ये देखें, ये पूरा 360 व्यू है, बड़ा ज़बरदस्त। ये इसका एक दूसरा साइड है पार्क का, हम दूसरी तरफ आएंगे। यहाँ से इस तरह ये बंद पड़ा हुआ, जाल लगा के इन्होंने बंद किया हुआ है। ये देखें इसका व्यू यहाँ से, ऊपर चलते हैं उस तरफ। ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट लग रहा है मुझे, ये यहाँ चलते हैं और यहाँ से देखते हैं। ये देखें वो मुस्तफ़ वहाँ थे, वहाँ से चलते हुए आए हम लोग अभी यहाँ पर। बस ये एंड हो गया है, आगे और कुछ भी नहीं है। सीता का व्यू होगा, अब चले, काफ़ी यहाँ घूम लिया हम लोगों ने और अब वापसी जाना है, नीचे उतरना है क्योंकि सर्क भी हो गई है, मकरीब होने वाली है करीब, तो उससे पहले नीचे पहुँच जाए तो बेहतर है अंधेरे में। वापसी भी मर ही जाएंगे, वहीं मिलेंगे फिर आपसे। देखें इसके अलावा कहीं और गया तो मैं बनाऊँगा वीडियो, वरना वापसी के रास्ते की थोड़ी बहुत बना के फिर आपसे मरी में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। जगह बड़ी खूबसूरत है और ये मौसम भी बड़ा अच्छा था, शुक्र है धूप निकल आई, वरना जो सुबह जो मौसम था वो तो घूमने के काबिल नहीं था, घूम ही नहीं पाते, इतनी सर्दी थी शदीद। चलें अब चलते हैं वापसी का सफ़र स्टार्ट करते हैं अपना। लालाधार नेशनल पार्क काफ़ी ख़ूबसूरत और बड़ी अच्छी जगह लगी, जैसा आपने देखा भी होगा वीडियो में, काफ़ी अच्छी और तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट की ट्रैक भी है। तो मेरा रिकमेंड है आप लाजमी आएँ क्योंकि बड़ी अच्छी और फैमिली साथ भी आप ट्रैक कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है जी। इस वक्त ये हम लोग हैं डोंगा गली में, ये आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से जो सामने रोड जा रहा है ऊपर से, यहाँ से यूपिया के लिए भी ट्रैक होता है एक, जिसको पाइपलाइन ट्रैक कहा जाता है, वो कभी इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम करेंगे और वो भी आपको शेयर करेंगे। ये डोंगा गली से हमने यहाँ से नारियल लिया और इसी के आगे डोंगा गली से मोड़ पे, ये यहाँ से मोड़ेंगे ना तो ये आबशार भी आती है इधर रोड पे, तो मैं आपको आबशार दिखाने आया था यहाँ पर। ये आबशार आ गई, थोड़ी छोटी सी आबशार है, ठंडा ठंडी ठंडी हवा आ रही है बहुत ज़्यादा। ये देखें कोल्ड ड्रिंक ठंडे करने का तरीका, हाँ कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो रही है और ये पानी आ रहा है सारा। ये आबशार है, थोड़ा सा पीटा पानी पीने का है ये। और ये दूसरी तरफ इसके, और ये देखें ये इसका दूसरी साइड का व्यू है,
सिस्टर आया अयूबी का जाने का प्रोग्राम बना है, अयूबी जाते हैं वहाँ जाके देखते हैं। चेयर लिफ्ट तो बंद है वहाँ की, तो थोड़ा पार्क घूम के आते हैं। फिर दीजिए हमें इजाज़त, तो अयूबी की जो वीडियो होंगी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा मैं। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। बी मानिल्ला।